लेसन 69 हेल्दी लिविंग आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपकी व्याख्या बेल रही, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ऑलवेज ऑफन सम टाइम रेलरी एंड नेवर। सो ये आपकी व्याख्या बेल रही होंगी जो आप डिस्कस करोगे ऑलराइट विद योर फैसिलिटेटर। देन फर्स्ट मैं आपको बता दूं आपकी डुओलिंगो ऐप की लर्निंग रहेगी, उस पर आपके कंपटीशन रहेगा आपकी कि आपने गोल अचीव किए हैं और आप कितनी प्रैक्टिस उस पर करोगे। उस जो भी आपके जो उस पर जो ऐप है उस पर जो भी आप प्रैक्टिस करते हो लर्न करते हो जो भी लेसन हैं उनको और ज़्यादा प्रोग्रेस में लाएंगे। देन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते, एक्सरसाइज भी हो सकती है, तो प्लीज़ अपने डुओलिंगो ऐप पर फोकस कीजिएगा। मैं फर्स्ट बता दूँ मैंने हेलो इंग्लिश ऐप के थ्रू इंग्लिश सीखी थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। ओके सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। हेलो इंग्लिश ऐप पे एफए की तरह ही ऑलमोस्ट पूरा आपको लर्न करने को मिलता है। मैंने इन अ फास्ट टाइम जब यूट्यूब इतना नहीं था, एफए क्लास नहीं थी, तब मैं उसी के थ्रू न्यू फ़ोन आए थे उसी के थ्रू मैं इंग्लिश सीखती थी, कोई सिखाने वाला नहीं था। क्लास जाके विजिट करती थी, बहुत कॉस्टली फीस होती थी। मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट विजिट किए हैं, सिलाई बुनाई कंप्यूटर क्लासेस कोर्सेज से रिलेटेड, एक्टिंग मंडी हाउस में तो एक्टिंग से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं। अगर स्टूडेंट हो लर्नर हो तो आपको पता ही होगा मैंने बहुत इंस्टीट्यूट विजिट किए हैं। अभी वीडियो मैं क्रिएट नहीं कर पा रही क्योंकि नहीं जा सकती हूँ। इन फ्यूचर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए, ये मेरा मेन फोकस था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ पर मैं बना नहीं पा रही। सो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वाली वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि कॉस्ट फ्री लर्निंग है, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। ओनली फॉर डेली स्टूडेंट्स के लिए होगी वो, जब भी अगर वो मैं स्टार्ट करूँगी। ओके अभी फिलहाल चलिए एफए पे बात करते हैं। ओके सो यहाँ पे हम क्या रिकमेंड करी थी मैं आपको, हेलो इंग्लिश ऐप पर आप डुओलिंगो ऐप पे सीख रहे हो सीखिए, वो भी बेस्ट है। बट मुझे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे हेलो इंग्लिश ऐप बहुत पसंद है। जैसे एफए मुझे बहुत मोटिवेट करता है वैसे मुझे हेलो इंग्लिश ऐप मोटिवेट करती थी। सो अगर आपके पास अगर टाइम हो लर्निंग का तो उससे आप सीख सकते हो, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को है। ओके अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो चलिए अपने आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, फूड फॉर थॉट पे आपका। ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फॉर हेल्दी लिविंग के, डू यू वॉच अ लॉट्स ऑफ मूवीज हाउ ऑफन। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड दिए गए, मूवीज भी देखते हो तो कोशिश करो कि कम से कम आप बिलीव करोगे मैं आपको सिखाती हूँ, सिखाने के लिए सीखती हूँ, ना कि मैं सिर्फ टीवी वॉचर हूँ एंड यूट्यूब वॉचर हूँ, नो खाली लर्निंग की चीज़ें मैं सीखती हूँ और आपको सिखाने के लिए। ओके सो मैक्सिमम 1 आवर इन अ डे मैं लर्न करने के लिए सीखती हूँ। ओके और आपको सिखाने के लिए मोबाइल का यूज़ जितना मुझे लगता है 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा लगता है, यानी 2 आवर्स मैं एज अ फ़ोन का यूज़ करती हूँ। ओके सो यहाँ पे इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे दिए जा रहे हैं, तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, यानी आप कोशिश कीजिए ज़्यादा ना देखिए, वो भी हमारी आँखों को हार्म करता है, हमारे माइंड को हार्म करता है। ओके ये चीज़ में, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू यू यूज टू वॉच मूवीज, टीवी लैपटॉप एंड फोन्स, यही चीज़ होंगी तो आपके आंसर इनमें से कोई एक होगा। देन थर्ड आपका है, हाउ मैनी आवर्स शुड बी स्पेंड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कितना टाइम, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी कि आपको कितना यूज़ करना है, और अगर ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, तो ये चीज़ लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू यूज़ दिस डिवाइस फॉर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो सच एज सोशल मीडिया, यस फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड लर्निंग से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड ज़्यादा मोस्टली यूट्यूब यूज़ करती हूँ आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए। अगर आपको मुझे सिखाना तो मुझे सीखना पड़ता है, आपको लर्न कराना कुछ आपके लिए एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए फ़ोन का यूज़ करती हूँ, इसलिए सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ। ओके देन फिफ्थ आपका है,
हाउ कैन इट अफेक्ट आवर हेल्थ। देखिए मैंने आपको पहले पॉइंट में ही मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे जो चीज़ आपको 1 to 5 में सिखाई जाए तो प्लीज़ इसको केयरफुल होकर सुनिएगा। हमारे लिए 1 आवर एंड हाफ बहुत है, क्योंकि वो हमारे माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है, हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, सो ये चीज़ सीखने के लिए है। ओके, सो ये एक हो गई। देन सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे दिया गया, ये सारी जो आपने फर्स्ट में वही चीज़ आपकी यहाँ पे है। ठीक है, स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 hours एट नाइट। ओके, हाउ ओपन डू यू, यानी आप इस पे कितना, जो ये चीज़ें लिखी गई हैं, एक्सरसाइज वंस आ डे फॉर 30 minutes और मोर, स्माइल एट ऑर्डिनरी थिंग्स, नो, एक्सप्रेस थैंक्सफुलनेस, स्पेंड सम साइलेंट टाइम एवरी डे, यस आई डू, थिंक अबाउट योर गोल्स, यस ऑलवेज आई थिंक अबाउट माई गोल्स, ओके, थिंक पॉजिटिव थॉट्स, यस आई ट्राई टू माई बेस्ट टू बी पॉजिटिव टू माई सेल्फ, क्योंकि अराउंड मी लॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल्स, आई हैव इट। देन लर्न न्यू थिंग्स, यस आई ऑलवेज लर्न न्यू थिंग, बिकॉज मैं आपको टीच करने के लिए कुछ ना कुछ न्यू थिंग लर्न करने की कोशिश करती रहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कितना आप ऑलवेज यानी हमेशा ही वो चीज़ करते हो, यानी कभी कभी, कभी समटाइम, कभी रेयरली, कभी नहीं, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक मार्क करने हैं। ठीक है, सो मैं 7 to 8 hours जल्दी मैं सो ही नहीं पाती हूँ, सो समटाइम ओके, बिकॉज आई हैव अ लिटिल वन, वो मुझे रात में काफ़ी जगाता है। ओके, एंड 30 minutes एक्सरसाइज में आई ट्राई माई बेस्ट, यस, नो नॉट समटाइम, ऑफन, ओके, नेवर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होता है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं फॉर हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड। ओके, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ मेंशन कर देती हूँ। व्हाट थॉट्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू ईट योर फेवरेट फूड, डू यू टेक द टाइम टू स्मेल, टेस्ट एंड ट्रूली इन्जॉय योर फेवरेट फूड। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। लेकिन आपके व्हाट थॉट्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू रीड समथिंग, डू यू चेक योर फोन और डू अदर एक्टिविटी दैट डिस्ट्रैक्ट यू। सो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, सो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड और भी कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, लिस्ट देयर आंसर टू द बोर्ड। ओके, इट इज मोर इंजॉयबल, यू लर्न और वर्क, पार्ट बी, 1 pointed फोकस, यहाँ पे आपको फोकस करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक फाइंड द डाइस, बहुत इजी है मुझे तो दिख रहा है, और अगर आपका फोकस सही है तो आपको दिख जाएगा। ओके, 1 2 3 मुझे तो पहले से ही दिख रहा है, तो इस पर आपको फोकस करके, इसमें बेसिकली इस फोकस पे, 1 point पे फोकस करके आपको डाइस फाइंड करना है, यानी फोकस पे ही, फोकस में आपको सिखाया जाएगा कैसे फोकस करना है। ओके, सो उस पर फोकस कीजिए। देन एंड कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 pointed फोकस, यानी फोकस आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है फोकस की, करंटली फोकस की प्रैक्टिस करनी है सेल्फ रिफ्लेक्ट पे। ओके, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ, आपको डिस्कस करना है जो अभी आपका बेनिफिट है फोकसिंग में, आपका जो है 1 point पे फोकस करके उसको डिस्कस करना है। देन प्रैक्टिस करनी है, इम्प्रूव करना है मोर फोकसिंग पे। ओके, ये आपको सिखाया जा रहा है। देन इसे इस लेसन में वीडियो भी आपको वॉच आउट कराई जाएगी थिंक एंड पेयर, और उसे
रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे. ओके, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द वीडियो, ये आपके कुछ क्वेश्चन होंगे. आपने वीडियो से क्या सीखा. वन स्टूडेंट हैव वॉच्ड आस्क एंड वोकैबुलरी प्रैक्टिस. ओके, एंड सेकेंड है, डिड यू मिस द बेयर इन द फर्स्ट गो. ओके, लैपटॉप पे यानी बेयर की फोटोज होगी, उसमें से आपको वो फोकस है, वो मैंने हमारे टाइम में सिखाया जाए, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. हाउ वेर यू एबल टू नोटिस द बेयर इन द सेकेंड गो, कैसे आपने फाइंड किया, वो सारी चीज़ें हैं जो भी आपने वीडियो देखी. ओके, डज इट हैपन इन एवरी डे लाइफ, इज इट ईजी टू फोकस कम्प्लीटली ऑन द पर्टिकुलर टास्क, वाई नॉट. सो ये आपको ये चीज़ें भी वीडियो के जो आप देखोगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जिनके आपको आंसर देने हैं. ओके, सो यहाँ पे डाइस कहाँ है आपने अगर ढूंढ लिया, नहीं ढूंढा है तो वेट कीजिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. देन ओके, अगर हाँ कुछ क्वेश्चन अब इस इमेज से है कुछ क्वेश्चन. हाउ वेयर यू एबल टू फाइंड इट, आपने कैसे फाइंड किया अगर आपने फाइंड कर चुका है तो. ओके, वॉज दिस टास्क ईजी और डिफिकल्ट एंड वाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया. एंड थर्ड है आपका, डिड यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एज यू वेयर सर्चिंग द इमेज. सो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिस आपसे फैसिलिटेटर कर सकते हैं. ठीक है, सो इसकी आपको प्रैक्टिसिंग करनी है, फोकस करना है. ओके, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अराउंड बहुत सी चीज़ें होती है, यानी ये है कि हमें अपने गोल्स पे कैसे फोकस करना है. ओके, वो चीज़ है इसमें, अपने गोल्स पे फोकस करना, उसी पे ध्यान देना है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो आई होप ये आपका लेसन रहा है. और हाँ, कुछ और भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं मेकिंग हेल्दी चॉइसेस में से, उससे रिलेटेड उसकी PDF फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपने डाइस फाइंड किया या नहीं, सो हियर इज योर डाइस. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जब मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, लर्न किया, गाइड किया, इससे आपको आपके लेसन में हेल्प होगी, आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी. ओके, तो PDF फाइल शेयर करूँगी इससे रिलेटेड, सो आपको हेल्प होगी, तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय.